गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अलोंग विद यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस टॉपिक आई हैव टेकन फ्रॉम यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट क्लास 11th। कैसे हमें डायमेंशन फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिखाऊंगा, और जल्दी ही इसका वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं 2-2 मार्क्स के एग्जामिनर आपके फाइनल एग्जाम में SC1 एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएं, इसलिए आज इसका वीडियो जनरेट किया जा रहा है और जल्दी ही आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, जो जो डायमेंशन फॉर्मूले आज हमें फाइंड आउट करने हैं वो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाए गए हैं, दैट इज थ्रस्ट और स्ट्रेस। आज हम सीखेंगे कि थ्रस्ट का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि देर आर दी 3 basic फिजिकल क्वांटिटीज। 3 ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी, दैट इज मास, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, सेकेंड इज लेंथ, जिसको आप l से डिनोट करते हैं, एंड द थर्ड वन इज टाइम, जिसको आप t से डिनोट करते हैं। देर आर द 3 basic फिजिकल क्वांटिटीज, m, l एंड t। मास के लिए सिंबल है m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। जब भी आप कोई भी डायमेंशन फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे, यू हैव टू एक्सप्रेस द डायमेंशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ दिस 3 basic फिजिकल क्वांटिटी m, l एंड t, एंड क्लोज इट इन ए ब्रैकेट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज थ्रस्ट। चलिए थ्रस्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। थ्रस्ट, अब थ्रस्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला तो तभी कैलकुलेट होगा जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, ये आपको याद रखना होगा। थ्रस्ट मींस फोर्स, थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही है, तो थ्रस्ट मींस फोर्स। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो थ्रस्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास डिजाइन होकर आया है, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, व्हाट इज वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, मास की डायमेंशंस, दैट इज कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट आप किससे मेजर करते हो, लेंथ में, तो लेंथ की डायमेंशन L, टाइम की डायमेंशन दैट इज टी, तो टी का स्क्वायर। तो क्या बना, m1 l1 t-2। तो इसका मतलब जो थ्रस्ट की डायमेंशन आई वो आई आपके पास m1 l1 और t-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ थ्रस्ट। बट स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज नहीं करते। तो हमेशा ध्यान रखें, वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला, यू हैव टू इनक्लोज दिस डायमेंशन इन ब्रैकेट। तो अब आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, थ्रस्ट का कितना आया, m1 l1 t-2। अगेन सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड है आपके पास दैट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम देख लेते हैं एक बार, फिर वही बात, फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो स्ट्रेस हो गया आपके पास, दैट इज फोर्स अवर एरिया,
फोर्स अवर एरिया। फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली है, क्या है, दैट इज एम वन एल वन टी माइनस टू। नाउ व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एम वन एल वन टी माइनस टू, नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, दैट इज एल। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ब्रेड्थ, दैट इज एल। तो ये बन गया आपके पास एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज स्ट्रेस, तो एम वन एल की पावर ऊपर क्या है वन, नीचे क्या है टू, तो ऊपर जाएगा तो माइनस टू, तो वन माइनस टू दैट इज माइनस वन, तो टी माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। सो दिस इज द कंसेप्ट थ्रू विच वी कैन सी हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसका आज मैंने वीडियो जनरेट किया है और जल्दी ही आप तक मैं इसे शेयर भी कर दूंगा। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, लाइक माई चैनल, देन प्लीज प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल इज PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा एफर्ट, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज PEC Academy कुरुक्षेत्र। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गुरु जी, धन्यवाद।